बेमेतरा जिले में धान टोकन के लिए किसान सोसाइटी के बाहर रात भर लंबा इंतजार कर रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ शासन की ओर से धान खरीदी की शुरुआत कल यानी कि 1 नवंबर से की जा रही है। धान बेचने से पहले किसानों को टोकन लेना जरूरी है और इसके लिए किसान सोसाइटी के सामने रात भर जागकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सोसाइटी के बाहर किसान अपने ऋण पुस्तिका सहित अन्य दस्तावेजों को लेकर सोसाइटी के बाहर लाइन लगा रहे हैं ताकि इन्हें समय पर टोकन प्राप्त हो सके और जल्द से जल्द अपने धान भी बेच सके। बता दें कि जिले के 102 सोसाइटियों के माध्यम से 123 धान खरीदी केंद्रों में धान खरीदी की जाएगी और इसके लिए 1,56,340 किसानों ने 1,73,742 हेक्टेयर रकबे का पंजीयन भी कराया है। वहीं जिला प्रशासन के अधिकारियों ने कहा कि सरकार की तरफ से ऑनलाइन टोकन भी दिया जा रहा है। धान के टोकन पर लगाए जल्दी से बिक जाए कि महाराज काल लहोगे नंबर लगाए सांझ में। कतक भीड़ हुआ थे धान बेचे, कतक लाइन लगे शुरू हो गया अभी ले? बहुत अकन हो गए अभी। तो का रात भी जगे पड़ा से लाइन लगाए? रात भर जगे रहनी है, रात भर सो रहे। धान की खरीदी जो है वो 1 नवंबर 2022 से यानी कल से जो है सभी उपार्जन केंद्र जिले के 23 उपार्जन केंद्रों में प्रारंभ हो जाएगी। इसके लिए आज समितियों में किसानों को टोकन वितरण किया जा रहा है। चूँकि आज पहला दिन है इसलिए कुछ समितियों में जो है कि भीड़ लगी हुई है। मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि वे समिति के साथ साथ जो है सरकार ने टोकन जारी के लिए जो है एक एप्लीकेशन जारी किया हुआ है टोकन तुम्हार द्वार।